हम इडियट हैं, लेकिन इस इडियट इसलिए हैं कि आप दो बड़े इडियट जो बैठे हैं, पहला सरकार और दूसरे पदाधिकारी, इन दोनों का आदेश हम लोग बिना प्रश्न किए आज तक मानते आए हैं, इसलिए हम इडियट हैं। माननीय प्रमुख सचिव साहब, आप हिम्मत जुटाइए कि जितने इडियट हैं सबको इडियट कहिए, सिर्फ शिक्षकों को इडियट कहने से काम नहीं चलेगा। हम तो स्वीकार कर रहे हैं हम इडियट हैं, लेकिन हमसे ऊपर जो दो बड़े इडियट्स बैठे हैं उनको भी तो कुछ कहिए आप। जय हिंद, नमस्कार, आप देख रहे हैं सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन में और जिसका मतलब उद्भेदन होना बहुत जरूरी है कि आखिर इडियट कौन है। शिक्षक हैं, विभाग है, सिस्टम है, कोई पदाधिकारी है, सरकार है, ये कौन है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है जिसमें माननीय अपर मुख्य सचिव साहब एक शिक्षक को इडियट कह रहे हैं और यहाँ तक कि बॉडी शेमिंग भी कर रहे हैं, उनको मोटा कह रहे हैं, कह रहे तू बहुत मोटा हो गया है, चल इडियट। शिक्षकों को इडियट कहा जा रहा है और आज इडियट से शुरुआत हुई है। हमने वो वीडियो भी देखा है जहाँ पे माननीय पदाधिकारी महोदय अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को माँ बहन की गाली दे रहे थे। तो आज शुरुआत है, आज हम अगर डिटेल में इस बात को समझ लें, जान लें कि आखिर इडियट कौन है, तो हो सकता है ये इडियट से आगे बात ना बढ़े, नहीं तो कल को आगे चल करके हमारे माँ बहनों को भी कुछ अपशब्द कहे जाएंगे और वो भी हमें सुन के बर्दाश्त करना पड़े। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इडियट उन्होंने कहा क्यों, किसे कहा, ये बात भी समझना जरूरी है। तो माननीय प्रमुख सचिव साहब वैशाली के एक विद्यालय गए थे और वहां पर निरीक्षण के दौरान खेल सामग्री का जो सामान था वो रखा हुआ था, वो निकालने के लिए उन्होंने एचएम को कहा। तो एचएम साहब निकाल रहे थे और दूसरे शिक्षक जो थे अपने शायद वर्ग कक्ष में खड़े थे और माननीय के पाठक जी ने कहा कि अरे एचएम काम कर रहा, तुम खड़े हो, इडियट, इडियट कर दिया, इतनी सी बात थे, कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर एचएम काम कर रहे थे, अपना सामान निकाल रहे थे और शिक्षक खड़े थे वर्ग कक्ष में देख रहे थे, इतनी सी बात पे इडियट कहने की क्या जरूरत थी। और माननीय के पाठक जी, अगर आप इडियट कहते हैं शिक्षकों को, तो पहले पूरे सिस्टम को समझिए, शिक्षकों को इडियट किसने बनाया, कैसे बन गया शिक्षक इडियट, और शिक्षक इडियट है कि इनको इस तरह से शोषित प्रताड़ित करने वाले लोग इडियट हैं। आप लगातार मीडिया में खबरों में चलवाते रहते हैं कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि एक विद्यालय में दो कमरे हैं, दो शिक्षक हैं और पांच कक्षाएं, दुनिया में कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें एक शिक्षक पर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी डाल दी जाती है, दो कमरों में पांच कक्षाओं की पढ़ाई होती है। सामान्य तौर पर कोई भी प्राथमिक विद्यालय उठा के देख लीजिए, दो से अधिक कमरे पढ़ाने योग्य नहीं है, दो कमरों में ही विद्यालय का संचालन होता है। अगर एक एक्स्ट्रा कमरा होगा भी तो उसमें चावल, अनाज, रसोई गैस, तो लकड़ी, जलावन, गोईठा सब रखा हुआ है उसमें, तेल मसाला सब आपने रखा हुआ है। शौचालय की बात करते हैं, शौचालय की सफाई के लिए फंड नहीं, शौचालय की जो व्यवस्था हुई है, आप ये बताइए पूरे बिहार में एक भी विद्यालय के शौचालय में फ्लश की व्यवस्था है क्या, फ्लश सिस्टम है किसी भी शौचालय में, फ्लश दबाने से जो भी गंदगी है साफ होती है क्या, कहीं फ्लश लगवाया है आपके शौचालय के मॉडल में, फ्लश व्यवस्था है विद्यालयों में, पानी की उचित व्यवस्था है, हैंडपंप से तो पानी भरना पड़ता है और आप शौचालय की सफाई पर ध्यान देते, अरे आपका शौचालय ऐसा है ही नहीं कि वो साफ हो सके। दो चार शौचालय के भरोसे, अगर मध्य विद्यालय होगा तो चार होगा, दो लड़कियों के लिए, दो लड़कों के लिए चार शौचालय, और 400-500 बच्चे हैं, अब वो बच्चे दिन प्रतिदिन शौच के जाएंगे, पानी देने की व्यवस्था नहीं है शौचालयों में, कौन देगा पानी, क्या शिक्षक सभी बच्चों के जाने के बाद खुद पानी देने लगे या खुद सफाई करने लगे विद्यालय बंद होने के बाद। डेली सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मी की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय में, स्कूल में झाड़ू लगाना, देखरेख करना, सफाई करना कौन करेगा, कोई चिन्हित है, रसोईया कहते हैं कि नहीं हम सफाई नहीं करेंगे, हम सफाई कर्मी नहीं, बच्चों से सफाई करवा नहीं सकते, कौन करेगा सफाई, और क्या विद्यालय फंड में इतना पैसा है कि शौचालय की सफाई। और जो
मैं भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों की बात करता हूँ, रोज अखबारों में पढ़िए, लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार पढ़िए। आज के भी अखबार देखिए बांका में छपा हुआ है कि बिना दरवाजे कमरे के, बिना दरवाजे खिड़की के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठंड लग रही है, बारिश में भीग रहे हैं। हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां विद्यालय भवन जर्जर है। मैंने स्वयं लोक शिकायत में कंप्लेंट दर्ज किया तो क्या मिला कि 4,748 विद्यालय भूमिहीन है, 1773 विद्यालयों को दूसरे विद्यालय में मर्ज करा दिया गया। इन सब पर आपका ध्यान नहीं दिया जाता है क्या? और ऐसी व्यवस्था किसने बनाई? भूमिहीन विद्यालयों को स्वीकृति किसने दी? क्या स्वीकृति देने वाले इडियट नहीं है? इतने सालों तक 2010 से लेकर के 23 तक भूमिहीन भवनहीन सामुदायिक जगहों पर या किसी मंदिर किनारे या किसी चबूतरे पर संचालन होता रहा, क्या ऐसा आदेश देने वाले इडियट है? किसने आदेश दिया? आपके ही विभाग के पदाधिकारियों ने दिया, आपसे पहले पद रहे थे, उनकी देखरेख में हुआ। किस सरकार ने दिया? उसी सरकार ने दिया जिसमें आप बने हुए हैं आज, उसी सरकार ने दिया। तो असली इडियट वो पदाधिकारी है जो सुविधा विहीन विद्यालयों का संचालन इतने सालों से करवा रहे हैं। असली इडियट वो सरकार है जो बिना सुविधाओं के विद्यालयों के संचालन की अनुमति देती है, ऐसी नीति बनाती है कि जहां कोई सुविधा नहीं हो वहां स्कूल खोल दो, ना भवन है ना भूमि है, स्कूल चल गया 12 साल। वही स्थिति आज हाईस्कूल की भी है। और तीसरे इडियट हम लोग हैं जो आपके इन उलूल जुलूल आदेशों को मान करके आज तक इस विभाग में बने हुए। हम जरूर इडियट हैं, लेकिन इडियट इसलिए हैं कि दो बड़े इडियट्स का आदेश आज तक आंख मूंद के पालन करते आए। भवनहीन भूमिहीन विद्यालयों में हम पढ़ाते आए हैं, चबूतरों पर, तो कभी सामुदायिक केंद्र में, तो कभी किसी मंदिर परिसर में। नीति बनाने वाली सरकार सबसे पहली इडियट है, और ऐसे उलूल जुलूल नीतियों को क्रियान्वित करने का आदेश देने वाले पदाधिकारी दूसरे इडियट हैं, और तीसरे इडियट हम हैं। हम शिक्षक इडियट हैं, इसलिए इडियट हैं कि आप दो बड़े इडियट्स का हम पालन करते हैं, तो 3 इडियट्स बन गए हम लोग। लेकिन माननीय प्रमुख सचिव साहब, आप हिम्मत जुटाइए कि जितने इडियट हैं सबको इडियट कहिए, सिर्फ शिक्षकों को इडियट कहने से काम नहीं चलेगा। हम तो स्वीकार कर रहे हैं हम इडियट हैं, लेकिन हमसे ऊपर जो दो बड़े इडियट्स बैठे हैं उनको भी तो कुछ कहिए आप। इस सरकार को इडियट कह के दिखाइए, हिम्मत है आप में, कहिए सरकार इडियट है जिसकी नीतियां सही नहीं रही, जिसकी पॉलिसी सही नहीं रही। आज भी मध्य विद्यालयों में शिक्षक नहीं है विषय बात, और आप बच्चों से चाहते हैं कि लर्निंग आउटकम सुधार हो जाए और बेहतर हो जाए, शिक्षक जी जान लगा के पढ़ाए। आपने मध्य विद्यालय के शिक्षकों को उत्क्रमित हाईस्कूल में भेज दिया, मध्य विद्यालय में पहले से विषय बात शिक्षक नहीं है, और आप उम्मीद करते हैं कि कक्षा संचालन अच्छे से हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए। अरे भाई, जो प्राइमरी का टीचर है क्या वो 6-8 को मैथ साइंस पढ़ाने लग जाए? प्राइमरी शिक्षकों को तो आपने भेज दिया है हाईस्कूल में पढ़ाने के लिए, मिडिल के शिक्षकों को भेज दिया हाईस्कूल में पढ़ाने के लिए। आप कहते हैं कि जनगणना स्कूल आवर के बात करो, स्कूल आवर के बात करेगा जनगणना तो आदमी घर परिवार को कब समय देगा? हाँ, हम इडियट हैं, लेकिन इस इडियट इसलिए हैं कि आप दो बड़े इडियट जो बैठे हैं, पहला सरकार और दूसरे पदाधिकारी, इन दोनों का आदेश हम लोग बिना प्रश्न किए आज तक मानते आए हैं, इसलिए हम इडियट हैं। अब हमें भी कमर कसना होगा और आपके इन उलझुल आदेशों को चाहे न्यायालय में हो चाहे सड़क पर हो चुनौती देनी होगी कि हम नहीं मानेंगे, और इसकी शुरुआत में करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। और हिम्मत है आप में, मैं चुनौती देता हूं आपको, आप कहिए सरकार को इडियट, आप कहिए सरकार की नीतियों को बिना सोचे समझे लागू करने का आदेश देने वाले पदाधिकारियों को इडियट। आपसे पहले जितने प्रमुख सचिव थे सबको इडियट कहिए, तब हम लोग मानेंगे हम लोग इडियट हैं। धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए सभी समय लाइक को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।